ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीपीएच के लक्षण दिखते ही क्या एहतियात बरतने की जरूरत होती है, चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए, ऐसे ही सवालों के जवाब हासिल करने के लिए इस खास सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिलीप मिश्रा, अब हमें ये बताइए कि बीपीएच की समस्या कितनी आम होती जा रही है और इसके लक्षण क्या है जिसके सामने आते ही सतर्क हो जाना चाहिए। ये पाया गया है हम लोग की स्टडीज में कि प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज जो है उसका जो साइज है बढ़ता है, तो ये सभी में बढ़ता है, किसी में किसी में कम बढ़ता है, किसी में ज्यादा बढ़ता है। और जो स्टडीज में देखा गया है वो ये है कि करीब 8-15% लोगों में जो इनकी एज 50-60 का अराउंड है उनमें ये बीमारी सिम्टोमेटिक होती है और ऐसे सिम्टोमेटिक लोग पाए जाते हैं और जो कि डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये परसेंटेज बढ़ता जाता है, जैसे कि अगर हमारी उम्र 80 के आसपास आएगी तो ये करीब 50% जनता में आपको ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो होगी उसकी कॉमन, मतलब कितनी कॉमन है ये। और दूसरा आपका सवाल था कि ये बढ़ गई है क्या समय के साथ में, समय के साथ में बड़ी तो नहीं है, बट ये है कि क्योंकि हमारी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज बहुत सारी आ गई हैं, लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो अब हम लोगों को जल्दी ज़्यादा पता लगने लगा है क्योंकि लोग अल्ट्रासाउंड करा के खुद ही डॉक्टर के पास आते हैं तो पता लग जाता है पहले से ही कि हाँ इनको बीपीएच है। डॉक्टर प्रशांत सिंह, यानी बीपीएच की जांच में देर नहीं करनी चाहिए और जैसे ही लक्षण सामने आए तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। अपने इन सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बीपीएच के कारण जो जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है बाद में, वो काफी सीवियर हो जाती है, तो आप जितना अर्ली उसको अगर आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं या उसके लिए आप इलाज ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर। तो नॉर्मली हम लोग सबसे जितने भी लोगों से या हमारे जो मरीज हैं उनसे हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से या 50 से ऊपर की उम्र है और अगर आपको पेशाब संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे प्रतिदिन बताया कि आपको फ्रीक्वेंसी है, बार बार पेशाब लग रही है, आपको रात में ज्यादा उठना पड़ रहा है, पेशाब में रुकावट है, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, रुक रुक के पेशाब हो रही है, इस तरह की कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आपको पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है स्पेशली मेल्स में तो एक बार उनको कंसल्ट करना जरूरी होता है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि ये बीपीएच बहुत ही साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता है और अल्टीमेटली कुछ लोगों में किडनी फेल भी हो जाती है। अगर आपको पेशाब संबंधी कोई दिक्कत या नहीं भी दिक्कत हो लेकिन अगर आपको सूजन हो रहा है या अगर आपका और तकलीफ पड़ रही है तो एक बार तो आपको अपने जांच जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर मनमीत सिंह, इलाज के चलते कितने समय तक बीपीएच दवाएं लेते रहने की आवश्यकता होती है? मोस्टली दवाइयां मैंने जैसा कि बताया बहुत कारगर हैं, हम लोग दवा लिखते हैं, पेशेंट्स को आराम आ जाता है। फिर यही एक सवाल खड़ा होता है कि सर ये आराम कब तक रहेगा, तो मोस्टली हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि ये जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं आपको जीवन भर खानी होती है, उसी तरह प्रोस्टेट की भी एक गोली अगर आप जीवन भर खाएं और उससे आपका ऑपरेशन बचता है और आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो मोटा मोटा हर पेशेंट को हम यही कहते हैं कि ये अगर आपको दवा सूट कर रही है तो ये आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ सकती है। कुछ पेशेंट्स में हम लोग इंटरमिटेंटली दवा बंद करके देख लेते हैं, जैसे 6 महीना उन्होंने दवा खाई उसके बाद हम कहते हैं आप 15 दिन महीना भर दवा छोड़ के देख लीजिए, अगर आपको दवा छोड़ने से सिम्टम रिलीव्ड है तो इसको ऐसे ही चलने दें क्योंकि कुछ समय बाद आपको फिर दोबारा सिम्टम आएगा और फिर आपको ये दवा लेनी पड़ सकती है। तो इन अ नटशेल दीज मेडिसिंस आर मोस्टली फॉर मतलब फॉर लाइफ। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, क्या बीपीएच की समस्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? साथ ही ये भी बताइए कि क्या इसके दोबारा होने का खतरा भी हो सकता है क्या? कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ ऐसी जब दवाइयां नहीं कारगर होती और ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन की प्रोग्नोसिस क्या है, क्या उसका आउटकम, उसका निष्कर्ष क्या है, तो ये एक सिंपल से सेंटेंस में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% नहीं 100% तो 95% के ऊपर तो है ही है इसकी सक्सेस रेट और इसका आउटकम। ऐसे पेशेंट्स बहुत आम सवाल, कई मरीज आते हैं कहते हैं कि हमारा तो 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था और मेरा प्रोस्टेट फिर बढ़ गया, तो वो कारण ये हो सकता है कि कैंसर प्रोस्टेट उसमें डेवलप हो गया हो और कैंसर प्रोस्टेट जिस रीजन में डेवलप होता है वो प्रोस्टेट के बाहर वाले रीजन में होता है और बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया अंदर वाले में होता है और हम लोग अंदर ही वाला निकालते हैं और अंदर ही वाला निकाला है भी जा सकता है और कैंसर प्रोस्टेट जहां पे डेवलप होता है वो तो वहीं पे पड़ा है चीज, वो तो अगर कैंसर बनेगा तो दोबारा उस रास्ते को नैरो कर सकता है। तो ये चीज भी पेशेंट को समझा देते हैं, ध्यान में बता देते हैं कि अगर दोबारा पेशाब कुछ सालों बाद रुकने लगे तो दोबारा वापस आना है, आपको ये नहीं सोचेगा कि मेरे तो प्रोस्टेट निकल चुका है इसलिए आप भरना है, प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं हो सकती। और एक आखिरी चीज है कि अब
हम लोग क्योंकि इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं कि ओल्ड एज बहुत लंबी हो गई है, मतलब पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65 टू 67 थी, और वो बढ़ बढ़ के 70s 80s में यूरोपियन कंट्रीज में तो 90s तक में जापान और पेन में चली गई है। तो हम लोग की कंट्री में भी ये एज ओल्ड एज पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ रही है। तो जिस पेशेंट का ऑपरेशन 55-60 साल में अर्ली TURP हो गया, अर्ली रिसेक्शन हो गया प्रोस्टेट का, जल्दी ऑपरेशन हो गया इन्हीं लक्षणों के कारण, तो वो अगर 15-20 साल 25 साल और जीता है तो उसको ये दोबारा प्रोस्टेट ग्रो हो जाएगा। इट इज नेचुरल तरीका है, जैसे आप बाल रंग दें और फिर थोड़े दिनों में सफेद हो जाते हैं, ऐसे प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट हटा दिया लेकिन 15-20 साल निकल गए तो फिर से प्रोस्टेट बढ़ जाएगा। तो ये रिकरेंस रेट इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कहीं दोबारा स्ट्रक्चर ना बन जाए, कैंसर प्रोस्टेट ना दोबारा बन जाए, प्रोस्टेट का कुछ पार्ट छूट गया हो सर्जरी में किसी कारणवश, या पेशेंट ने बहुत पहले प्रोस्टेट की सर्जरी कराई और धीमे 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 करके दोबारा प्रोस्टेट बढ़ गया। आज इस कड़ी में हमें बेहद जरूरी जानकारी मिल रही है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। बीपीएस से जुड़ी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हेल्थ इज वेल्थ टॉक शो।